ये जो आउटसोर्सिंग की बात हो रही है उसमें कई स्टाफ ऐसे होते हैं जिनका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, उनके पास कोई परीक्षा कंडक्ट कराने का अनुभव नहीं होता, तो फिर किस आधार पर आप ठेका दे देते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये इतने बड़े एग्जाम है, इसको सरकार को स्वयं अपने हाथों में लेना चाहिए और दायित्व तो जो है वो सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों पर ही होना चाहिए, क्योंकि आउटसोर्सिंग से आप करेंगे तो दायित्वाधीन उनको आप बना नहीं सकते हैं। आउटसोर्सिंग किस तरीके से रखी जाती है, किस तरीके से योग्यता उसकी निर्धारित होती है वो दुनिया को मालूम है कि कमीशन बेस किस तरीके से काम होता है। हम एक बात आपको कहना चाहते हैं, सरकार की पारदर्शिता यहीं पर अपारदर्शी होती हुई नजर नहीं आ रही कि एक तरफ नेट की परीक्षा जो ही आती है उसको आप जो है वो निरस्त भी कर देते हैं और उस पर सीबीआई इंक्वायरी भी कटअप कर देते हैं, लेकिन आप नीट की परीक्षा को रद्द करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई यथास्थिति बनाए रखने का आदेश किया है क्या? जो चीज सरकार के हाथ में है वो सरकार आज कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट का मुंह देखना क्या? और सबसे बड़ी चीज इस बात की है कि अगर आज सरकार कह दे कि ठीक है मैं नीट की परीक्षा रद्द करता हूं विद्यार्थियों की मांग पर, और साथ ही सरकार को यह भी दायित्व होना चाहिए क्योंकि आपके माध्यम से जो है एनटीए है और एनटीए ने जिस तरीके से काम किया है वो आपके सामने है, उस पर विधिक कार्रवाई भी होनी चाहिए, अन्वेषण भी होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए कि जिन परीक्षार्थियों ने दूर दराज से आकर एग्जाम दिया है उन परीक्षार्थियों को परीक्षा स्थल तक लाने का खर्च भी देना चाहिए, फूडिंग लॉजिंग का भी खर्च देना चाहिए, क्योंकि अगर ये सरकारें नहीं करेंगी तो वो जो गरीब घर के बच्चे हैं वो दोबारा इम्तिहान कैसे? धीरेंद्र जी, प्रश्न ये बड़ा है। धीरेंद्र जी, ये मामला बहुत बड़ा है और बहुत संगीन भी है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है आउटसोर्सिंग के जरिए एग्जामिनेशन, जिसमें कईयों का वेरिफिकेशन नहीं होता है स्टाफ का जो उसमें शामिल होते हैं, कई ऐसे होते हैं जिनका कोई अनुभव नहीं होता लेकिन उनको दे दिया जाता है ठेका कि आप काम करो, तो ये बताइए कि ये जो कहा जा रहा है कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, ये कैसे रैकेट पूरा है, सब कुछ हो रहा है और जो गिरफ्तारियां बिहार से और दूसरे प्रदेशों से हो रही है, क्या सिर्फ इतना भर है कि सॉल्वर गैंग था पकड़ में आ गया उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस बार पूरी ठोस कार्रवाई की योजना बनी है, अब एक एक करके आपको सब कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा, अभी उस पर कुछ कहना बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत गंभीरता से सरकार ने भी लिया है, सुप्रीम कोर्ट भी कहा है कि अगर 0.1% भी गड़बड़ी होगी तो भी ये परीक्षा भी रद्द होगी और कार्रवाई भी होगी, तो सरकार पूरी गंभीरता से इसको जांच कर रही है और पूरे देश में फैले इस रैकेट का पर्दाफाश किया जाएगा। नहीं, नेट के एग्जाम में आपको 24 घंटे भी नहीं लगे, नेट के एग्जाम में आपने 24 घंटे के भीतर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए परीक्षा रद्द करके, और नीट के परीक्षार्थी पिछले 1-1.5 महीने से कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट इसको देख रहा है ना, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ जाते हैं जो पेटिशनर है वो वहां पे भी गए हैं, उससे पहले ही आप क्या स्टेप ले सकते हैं जरा बताइए, उसको सुप्रीम कोर्ट को तो पहले संतुष्ट करना है ना कि कहां गड़बड़ी हुई है नहीं हुई है, मतलब इंतजार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हो रहा है, मतलब इंतजार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हो रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा कि इसकी सीबीआई जांच हो, सुप्रीम कोर्ट कह देगा परीक्षा रद्द हो, तब परीक्षा रद्द होगी। सुप्रीम कोर्ट देख रही है ना, सुप्रीम कोर्ट को एक एक चीज मुहैया कराया जा रहा है, गड़बड़ी हुई है कहां हुई है, बीच में कोई मामला यार, इस बीच देखिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज नीट के छात्रों से मुलाकात करने वाले, शाम को करीब 4 बजे जवाहर भवन में उनकी मुलाकात हो सकती है नीट के छात्रों से, और बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये सरकार पेपर लीक सरकार बन गई और इतने परीक्षार्थियों के साथ, लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और सरकार इसकी जिम्मेदारी ले। सवाल यहां पर एनटीए पर उठ रहे हैं, सवाल यहां पर शिक्षा मंत्रालय पर उठ रहे हैं। विवेक जी ये कह देना कि एनटीए स्वतंत्र एजेंसी है, वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, लेकिन कोई तो ऊपर मॉनिटरिंग करता होगा, क्या कुछ दिखाई नहीं देता? अगर इतने संगीन आरोप लग रहे हैं तो आप नीचे के कुछ लोगों को कि मैंने इस आउटसोर्सिंग कंपनी को दिया था उसके हो सकता है कि कुछ एक छोटे कर्मचारी या स्टाफ नब जाएं, क्या एनटीए अपना पल्ला झाड़ सकता है? जी भाई, एनटीए क्या कैसे पल्ला झाड़ेगा, और एनटीए झाड़े ना झाड़े मिनिस्टर एचआरडी कैसे झाड़ सकते हैं, यहां मजाक चल रहा है क्या? लाखों बच्चों ने, 9 लाख बच्चों ने दिया यूजीसी का एग्जाम, अभी आप ही अपने आंकड़े बता रहे थे, तो 9 लाख बच्चों ने दिया तो किसके भरोसे पे दिया, भारत सरकार के भरोसे पे दिया ना,
अब एक बच्चा जो परीक्षा दे रहा है उसे क्या मालूम नेट क्या होता है, मिनिस्टर एचआरडी क्या होता है, उसे तो ये पता है कि साहब एक अखबार मुझे एक तैयारी करनी है और जाकर के पेपर देना है, निष्पक्ष तरीके से रिजल्ट आएगा, मैं मेहनत करूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा। अब आप कह रहे हैं साहब ये तो नेट की गलती हो गई, तो नेट ने आउटसोर्स किया एक मल्टीनेशनल को तो उसकी गलती हो गई, ये क्या ड्रामेबाजी है? द गवर्नमेंट शुड टेक कॉग्निजेंस। दूसरी बात, क्या सुप्रीम कोर्ट का काम सरकार चलाना है? सुप्रीम कोर्ट का काम कार्य चलाना नहीं है। चार स्तंभ हैं हमारे प्रजातंत्र के, डेमोक्रेसी हैज फोर पिलर्स, उसमें मीडिया भी आता है, जुडिशरी भी आती है, आपका पार्लियामेंट भी आता है, एग्जीक्यूटिव भी आती है, और सबका अपना रोल है और ओवरलैपिंग नहीं। पार्लियामेंट का रोल डिफाइंड है, कैबिनेट का रोल डिफाइंड है, मंत्रालय का रोल डिफाइंड है। अब अगर मंत्री कहता है कि मैं वेट करूंगा सुप्रीम कोर्ट कुछ कहेगा तो मैं करूंगा, अगर वो सुप्रीम कोर्ट बाई चांस कहता है साहब अब तो कुछ ढूंढ नहीं पाए इन्वेस्टिगेशन में, तो बल्ले बल्ले, भाड़ में गए नीट के बच्चे, जैसा चल रहा है चलने दो, ये कोई तरीका है क्या? मैं अनुश्री आपके पास आ रहा हूं, मुझे लगता है कि धीरेन्द्र जी इस पर काउंटर करना चाहते हैं। धीरेन्द्र जी, आप इस पर राजनीति करना पहले बंद करें। आपकी वक्तव्य से ही लग रहा है कि आप कितने गंभीर हैं। बिल्कुल राजनीति करेंगे, बिल्कुल राजनीति करेंगे। आप भाजपा के प्रवक्ता को पहले बुला करके लाइए। आप कौन है बैठिंग करने वाले? आप कौन है भाई? सरकार का नुमाइंदा कहां पर है? मैं बुलाऊं कि ये बुलाएंगे? अगर सुनना है तो सुनिए। हाँ तो नहीं आ रहा है ना, तो भागा हुआ है। हमने बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाया, अभी भी हमारा शो चल रहा है, हो सकता है थोड़ी देर में शामिल हो जाए, हमने उनको बुलाया है। ठीक है धीरेन्द्र जी, हाँ अगर बीजेपी क्या दर्शा रहा है? एनटीए के पास भी गए थे और सेम टाइम में पिटिशनर कोर्ट भी चले जाते हैं। पहले वाले केस में जब सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवेन कर जाती है तो कोई दायित्व और नैतिक अधिकार नहीं बनता है एनटीए का कि वो तुरंत से आके और सुप्रीम कोर्ट के बिना बताए कोई कार्रवाई करे। जाने की नौबत आई क्यों? कम से कम मौलिक ज्ञान आपको होना चाहिए। आप बताइए सुप्रीम कोर्ट में जाने की नौबत क्यों आई? अरे आप जाने वाले बच्चों को जाकर के रिट पिटीशन कोर्ट में दाखिल करना पड़ रहा है, आपको शर्मिंदा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तो दो आप समझिए ना, आप थोड़ा आपको तो विश्वास रखना पड़ेगा अपनी संस्थाओं पे। बच्चों को और पेरेंट्स को कोर्ट में जाकर के रिट फाइल करनी पड़ रही है और आप यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आदमी कोर्ट में तब जाता है जब आपका मंत्रालय निष्क्रिय है, कुछ सुनकर के राजी नहीं है। आप ही बोलिए प्रत्युष जी, एक मिनट भैया, सुप्रीम कोर्ट में आदमी कब जाता है कोर्ट में? और एक और बड़ी खबर आ रही है परीक्षा से जुड़ी हुई, उत्तर प्रदेश से ये खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आज से टीसीएस मुख्य परीक्षा 2022 के अभ्यर्थियों को कॉपियां दिखाने जा रहा है, जिसके लिए आयोग ने रोज 5 घंटे का समय तय किया है। और आयोग के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जब मुख्य परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को उनकी कॉपियां दिखाई जाएंगी। आयोग 20 जून से लेकर 31 जुलाई तक रोज 4 सेशंस में अभ्यर्थियों को कॉपियां दिखाएगा। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक छात्र ने गड़बड़ी की आशंका जाहिर की थी, इसलिए सबको दिखाया जाएगा कि आप तसल्ली से अपनी कॉपियां देख लो। अनुश्री मैं आपके पास आ रहा हूं, एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप, और एनटीए के पहले भी मेडिकल एंट्रेंस में या फिर इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में भी कई बार गड़बड़ी धांधली के आरोप लगते रहे हैं, कई बार परीक्षाएं भी रद्द करनी पड़ी है। सवाल यह है कि यह सिस्टम दुरुस्त अगर नहीं हो पा रहा है तो गड़बड़ी किसकी है? जी देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं तो पहले जांचें भी हुई है, परीक्षाएं भी रद्द हुई है, अगर ऐसा जांच में पाया गया है तो। प्राइमा फेसी सवाल यह है कि सरकार चुप क्यों बैठी है? अगर आप इनकी जो कॉन्ट्रोवर्सी देखेंगे, ये NET नेट का पेपर तो 24 घंटे में कैंसिल कर देते हैं, उनकी CBI की जांच भी करते हैं, लेकिन नीट एस्पिरेंट्स के लिए क्यों ये जांच नहीं कर रहे हैं? अब दूसरी बात मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ये माननीय न्यायालय के पीछे क्यों बैठे हुए हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। क्या सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई पे सरकार को कोई आदेश देने के लिए इन्होंने रोक लगा रखी है? नहीं लगा रखी। इनके पास एक्चुअली कोई जवाब ही नहीं है, इनसे इनकी जो धांधली है वो नजर आती है कि किस तरीके से ये पारदर्शिता कर रहे हैं, क्यों कोर्ट के भरोसे बैठे हुए हैं? कोर्ट का काम सरकार चलाना नहीं है, सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही है? आज अगर देश का बच्चा आप देखेंगे, देश में कितनी गरीबी है, अगर गरीब परिवार का बच्चा इस मामले में, मुझे बोलने दीजिए, देश का बच्चा किस गरीबी से उठकर आ रहा है? नीट की कोचिंग कितने हो रही है? कम से कम मैं मानती हूँ कि 2 लाख रुपए से नीट की कोचिंग नहीं होती है। किस परिस्थिति में उसने कोचिंग करी? आज उस छात्र अगर अपनी आवाज सड़कों पे उठा रहा है, आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट में जाने की छात्रों को क्या नौबत आई? 1.5 महीने से अगर देश का छात्र सड़कों पे प्रदर्शन कर रहा है,
ओके, आप कह रहे हैं क्यों पेपर लीक पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अपोजिशन लगातार आरोप लगा रहा है कि आखिर इस सरकार में चल क्या रहा, आपको सुनाते हैं कुछ बयान। वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे, फिलहाल आपको बता दें सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा करवाने वाली अहमदाबाद की कंपनी एजुटेस्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और अब एजुटेस्ट को प्रदेश में किसी भी विभाग में भर्ती परीक्षा करने का काम नहीं मिलेगा, साथ ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी भी है। कंपनी के संचालक विनीत आर्या को एसटीएफ 4 बार नोटिस देकर बयान दर्ज करने के लिए तलब कर चुकी है, लेकिन वो पेश नहीं हुआ। अब ये देखिए जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि कितने भी एग्जामिनेशन हो उसमें कई जगह राज्य स्तरीय भी अगर परीक्षा होती है तो आउटसोर्स किया जाता है। अब देखिए अहमदाबाद की कंपनी है एजुटेस्ट ब्लैकलिस्ट हो गई है, कई बार इनको कहा गया, तलब किया गया कि आइए और जवाब दाखिल कीजिए, नहीं आए। अब ये कभी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे उत्तर प्रदेश में। अब आपको सुनाते हैं कि विपक्ष की तरफ से क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। ये सरकार लोकतंत्र की नहीं है, ये लीक तंत्र की सरकार है और लीक तंत्र को सही साबित करने के लिए इसके मंत्री सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते हैं। ये लोग देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले पुलिस भर्ती परीक्षा, आरओ परीक्षा, उसके बाद नीट की परीक्षा और उसके बाद अब नेट यूजीसी की परीक्षा। आप बच्चों के साथ करना क्या चाहते हैं? आप देश के नौनिहालों को बिगाड़ना क्यों चाहते हैं? अराजक क्यों बनाना चाहते हैं? बेरोजगार क्यों रखना चाहते हैं? उनको पढ़ने क्यों नहीं देना चाहते हैं? आप शिक्षा माफिया के साथ क्यों हैं? आप के राज में ही शिक्षा माफिया और कोचिंग माफिया कैसे पनप रहा है? एनटीए है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है इस एग्जामों को कंडक्ट करने की, वो इतना बड़ा लापरवाह हो गया है, उसमें बैठे अधिकारी इतने बड़े उदासीन हो गए हैं, उनके ऊपर जो शिक्षा मंत्रालय है भारत सरकार का वो कितना उदासीन हो गया है, कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। मतलब पहले नीट का एग्जाम, अब यूजीसी नेट का एग्जाम, मतलब अब एग्जाम भारत में नहीं होंगे? प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, आप सब कहाँ हैं? और जो एनटीए बना है इसको तो बंद कर दीजिए भाई, अगर सबकी जांच सीबीआई और ईडी ही करने वाली है तो एनटीए को बंद करके सीबीआई और ईडी को ही दे दीजिए काम। ठीक है दुबे जी, यूपी की खबर आपने देखी ना, सिपाही भर्ती, इसमें जो धांधली हुई, अब इसमें जो आउटसोर्सिंग किया गया वो कंपनी जवाब नहीं दे रही है, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, तो क्यों ना एनटीए के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए जहां पर ऐसी नौबत ही नहीं, आप आउटसोर्सिंग बंद कर दीजिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं क्योंकि आउटसोर्सिंग हो रहा है, एक्सपेरिमेंट सरकारें करती हैं, वो सफल नहीं हुआ है तो दूसरी व्यवस्था पर आना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन सवाल यहां पर ये पैदा हो रहा है कि यूजीसी नेट की परीक्षा कैंसिल कर दी तो क्यों कैंसिल कर दी, और नीट की कैंसिल नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? छात्र कह रहे हैं कि कैंसिल कर दीजिए तो आपको कैंसिल कर देना चाहिए। आप सोचिए 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, उसमें से कुछ हजार वैकेंसी होंगी, उसके अलावा सब फेल होते हैं, और तो हर बार अगर बच्चे ये कहेंगे कि साहब एग्जाम कैंसिल कर दीजिए तो क्या एग्जाम बच्चों के कहने से कैंसिल कर देना चाहिए? क्योंकि ये तो हर बार प्रोसीजर पड़ जाएगा, ये तो एक बार आदत पड़ जाएगी। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कार्रवाई कठोर होनी चाहिए, प्रोसीजरल मैकेनिज्म को चेकआउट होना, आदत की बात कर रहे हैं यार, देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है, अगर कोई स्कैम हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। आप मुझे बताइए खिलवाड़ क्या क्या, आपके पास 10 पॉइंट है क्या? आपने कभी कोई एग्जाम दिया नहीं है? अगर दिया होता तो आपको समझ आता। कड़वा मेरा सवाल जवाब दीजिए, 10 पॉइंट किस तरीके की बातें कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ 10 पॉइंट बताइए क्या गड़बड़ हुई है, जरा बताइए, मैं गिनना शुरू करता हूँ, बताइए नंबर एक क्या गड़बड़ हुआ है? आपके शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि कुछ ही नहीं है, सिर्फ ग्रेस मार्क्स की प्रॉब्लम है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ग्रेस मार्क्स वालों को दोबारा एग्जाम दिया जाएगा। लेकिन आगे का हम कह रहे हैं कि जो आप स्टूडेंट्स तक एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ आपके पास ग्रेस मार्क्स के अलावा कुछ है? चलिए, आज नीट परीक्षार्थियों ने जो याचिका लगाई है परीक्षा रद्द करने की, उस पर आज सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होनी है, देखना आज सर्वोच्च अदालत इस पर क्या आदेश जारी करती है आज की सुनवाई में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। Z News।